रोकने के लिए, उनकी इस बगावत को रोकने के लिए करें। तो यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर इब्न खत्ताब के जरिए जिस रोज से वो ईमान लाए उस रोज से मुसलमानों को इज्जत और गलबा दिया। जब आप ईमान लाए थे क्या हुआ था हम सबको पता है, उससे पहले सहाबा छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान लाया और खुलकर काबे में आए और नमाज पढ़ी और कहा कौन है आओ मेरे सामने। तमाम लोग छुप छुप कर हिजरत करके गए, तमाम लोग सब छुप छुप के हिजरत करके गए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ऐलान करके हिजरत करके गए कि अगर किसी में हिम्मत है और दम है तो उमर हिजरत करके जा रहा है जो है मक्का के बाहर आकर उमर से मुलाकात कर। एक भी काफिर पीछे नहीं आए, सब लोग पीछे रहे, एक ने भी पीछे फॉलो नहीं किया, हालांकि बाकी सबको हुआ। आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह भी ईमान लाए तो लोगों ने इस कदर मारा था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को कि रिवायत में आता है कि चेहरे का अगला और पिछला पहचाना नहीं जा रहा था, मतलब आपको लिटाकर खुंदल खुंदल कर चेहरे पे पैरों से मारा गया था, जिसकी वजह से नाक वाक पूरी एकदम फ्लैट हो गई थी, चेहरा सूज के कैसा हो जाता ना आदमी पहचाना जाता, तो उनका पिछला सर का और अगला पहचाना नहीं जा रहा था, इतना मारा था लोगों ने। हालांकि अबू बकर सिद्दीक भी बड़े इज्जत वाली शख्सियत थी, लेकिन जो रुआब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ताकत और जो मुकाम उमर इब्ने खत्ताब को दिया था वो अबूबकर सिद्दीक को भी नहीं मिला। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब ने जब ईमान लाया अलल एलान, नमाज काबे में शुरू की अलल एलान, हिजरत करके गए तो ऐलान करके गया कि किसी में दम है तो उमर से आकर मक्के से बाहर मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से इन्होंने ईमान लाया, सहाबी कह रहे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अल्लाह ताला ने इज्जत दी मुसलमानों को और इस्लाम को गलबा बख्शा जब से ईमान लाए, मतलब डे वन से लेकर इनकी मौत तक। याद रखिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जितने इलाकों पे हुकूमत की, याद रखिए वो इलाके आज ही मुसलमान हैं और कभी पूरे ज़िंदगी में आप पीछे नहीं हटे, सिर्फ मुसलमान फौज आगे ही जाती रही, आगे ही जाती। तो बहरहाल